Let's go for today's lecture, and the topic that we are going to cover is the multiplexing, and we are going to see the basic definition of multiplexing, and then we are going to see different categories of multiplexing. Among these categories, space division multiplexing, STM, time division multiplexing, TDM, and frequency division multiplexing are important. So, हम ये तीन टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे इस सारी लेक्चर में. ये लेक्चर जो बने हुए हैं ये बेसिकली NI के ट्यूटोरियल हैं तीन, ये उनसे बने हुए हैं. ये होपफुली लेक्चर स्लाइड्स के साथ अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आपने इनको कवर करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो थ्रू दीज ट्यूटोरियल, और वो ट्यूटोरियल भी आपने तकरीबन पूरे करने हैं. स्पेशली जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वो दोनों के दोनों ट्यूटोरियल आपने बड़ी डिटेल में कम्प्लीटली कवर अप करने हैं. तो स्टार्टिंग ऑफ विद मल्टीप्लेक्सिंग, इट इज़ बेसिकली टेक्निक जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट करते हैं एट द सेम टाइम और समल्टेनियसली, और उस ट्रांसमिशन के लिए हम बेसिकली एक हाई कैपेसिटी रिसोर्स या हाई कैपेसिटी मीडियम को डिवाइड करते हैं अमंग डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स. तो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड अ हाई कैपेसिटी मीडियम इनटू मल्टीपल लो कैपेसिटी लॉजिकल चैनल्स, दैट is basically nothing but multiplexing. So in simple words अगर बात करें तो आपके पास एक high capacity medium है, for example एक channel है जो आपको एक high data rate provide कर सकता है, लेकिन आपके पास जो source पे जो data producing speed है, source जो है आपके पास individually हैं, उन sources में मसला ये है कि उनका data rate जो है वो आपके high capacity medium के साथ match नहीं कर रहा. As compared to your high capacity medium, आपका sources का data rate जो है वो low है. So what you do is कि आप एक source को high capacity medium में डालने की बजाय आप multiple sources लेते हो, उन सब का data इकट्ठा करते हैं, और आप basically उस multiplexer को use करते हुए आप basically उसको same high capacity medium पर डाल देते हैं, और इस तरह आपका multiple sources से generate किया हुआ data एक single transmission channel पर आप transmit कर सकते हैं. तो multiplexing generally analog digital दोनों domain में use होती है, और जनरली किया ये जाता है कि आपके पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं जो अपना डेटा जनरेट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे आप कंबाइन करके एक हाई कैपेसिटी मीडियम पे पोट ऑन कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. सो इन प्रिंसिपल चाहे वायर्ड मीडिया है, चाहे वायरलेस मीडिया है, चाहे ऑप्टिकल मीडिया है, ऑल ऑफ दीज मीडिया आर बेसिकली केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो एप्लीकेशन है, इट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड. जितने आप आजकल के प्रैक्टिकल सिस्टम देख रहे हैं उन सब में मल्टीप्लेक्सिंग मोर लेस तकरीबन यूज़ होती है, एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम जनरली जो एक मेन चैनल जिस पर ट्रांसमिशन करते हैं दैट इज़ अ वेरी हाई कैपेसिटी चैनल, और उस पर हम सेवरल लो डेटा रेट स्ट्रीम्स को पुट ऑन करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि हम मल्टीपल यूजर्स का या मल्टीपल सोर्सेज का डाटा सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर सकें. नाउ इफ वी वांट टू डू मल्टीप्लेक्सिंग देन डेफिनेटली वी नीड टू हैव सर्टेन हार्डवेयर. तो हार्डवेयर या डिवाइस आप जो हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, दैट डिवाइस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर और इन सिंपल वर्ड मक्स. और रिसीवर पे डेफिनेटली जब आप ये कंबाइंड डेटा रिसीव करते हैं, यू नीड टू differentiate between the data intended for different users. तो आप high capacity medium से data combined data उठाते हैं तो आपको कोई ऐसी device चाहिए जो उनको वापस अपनी original streams या original form में वापस लेके आए, तो that is basically known as demultiplexer or DMUX. So generally multiplexing use की जाती है transmitter end पे, और demultiplexing use की जाती है receiver end पे. तो इन प्रिंसिपल आपको दो डिवाइसेस चाहिए होंगी, वन एट द ट्रांसमीटर, द अदर एट द रिसीवर. ट्रांसमीटर पे आपको मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा और आपको रिसीवर पे डी मक्स चाहिए होगा. सो इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अ लुक ऑन एट ग्राफिकली, तो आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस. द स्मॉल ब्लैक एरोज बेसिकली डिपेक्ट द डिफरेंट डेटा सोर्सेज जिनका डेटा रेट जो है या डेटा जनरेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो एज कम्पेयर टू दिस डार्क ब्लैक एरो जो कि बेसिकली हाई कैपेसिटी मीडियम है आपका, इसकी डाटा कैरिंग कैपेबिलिटी से काफ़ी कम है. सो अगर आपके डार्क एरो की डाटा कैरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है और आपके सोर्सेज जो हैं उनकी डाटा कैरिंग कैपेबिलिटी इंडिविजुअल सोर्सेज की कम है, तो आप मल्टीपल सोर्सेज को कंबाइन करके
इस हाई कैपेसिटी मीडियम पे डालेंगे यूजिंग मार्क्स, तो दिस ट्राइंगल इज़ बेसिकली फॉर मार्क्स। और जब आप रिसीवर पे पहुंचेंगे तो आपको डी मार्क्स चाहिए होगा, डी मार्क्स ये करेगा कि हाई कैपेसिटी मीडियम से सारा डाटा उठाएगा और उसको उन ओरिजिनल स्ट्रीम्स में वापस ले आएगा जिसके लिए वो इंटेंडेड थे। तो ओवरऑल मल्टीप्लेक्सिंग इस परस्पेक्टिव से की जाती है। सो इन अ नटशेल, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक जिससे आप बेसिकली कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं टू कैरी द डेटा ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट रिसोर्सेज है हमारे पास। एंड इन जनरल हम अगर आप देखें तो हम स्पेस को या फिजिकल स्पेस को भी बेसिकली आप एक रिसोर्स कंसिडर करते हैं। देन अनदर रिसोर्स दैट वी हैव इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज टाइम, अनदर रिसोर्स इज फ्रीक्वेंसी, एंड देन अनदर रिसोर्स इज पोलराइजेशन, एंड देन वी हैव कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस परस्पेक्टिव से हम डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके उन हम डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर आप बात करें, इन प्रिंसिपल आपके पास तीन मेजर रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में। वन इज़ द स्पेस, द अदर वन इज़ टाइम, द थर्ड वन इज़ फ्रीक्वेंसी। तो इन जनरल ये तीन बेसिकली यूज होते हैं इस परस्पेक्टिव से। तो हम जो ओवरऑल देखेंगे इस मल्टीप्लेक्सिंग के पूरे टॉपिक में, वी आर गोइंग टू कवर स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, the second we are going to cover time division multiplexing, that is TDM, and the third one is frequency division multiplexing, FDM. We have two other types, that is code division multiplexing and polarization division multiplexing, that is CDM and PDM respectively. ये दोनों की दोनों चीज़ें भी यूज़ होती हैं, टेक्निक्स यूज़ होती हैं, बट इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली डिफरेंट टाइप से कोड यूज़ किए जाते हैं और वो कोड को अपने डेटा के साथ इस तरह से एक्सप्लॉयड या प्रोसेस किया जाता है कि आपके रिसीवर जो है वो सिर्फ एट एनी गिवन टाइम वो डेटा डिफरेंशिएट करने काबिल होता है फॉर एवरी यूज़र। पोलराइजेशन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग PDM इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एंटेना। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट, अगर आप एंटेना डिज़ाइन के परस्पेक्टिव से देखें तो हम पोलराइजेशन की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन भी है, वर्टिकल पोलराइजेशन भी है, और एंटेना में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी सिग्नल की पोलराइजेशन किस परस्पेक्टिव से की गई है। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में बात करूँ तो वर्टिकल पोलराइजेशन और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन दो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उस परस्पेक्टिव से पोलराइजेशन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ बेसिकली डन व्हेन यू आर यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन, कि आपने सिग्नल की पोलराइजेशन किस तरीके से की है। उसमें डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सारी की सारी चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगेन हम इसकी डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाएंगे कि वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन मोर कॉमन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और इन तीन में से भी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज होती है और जिसको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। STM भी यूज़ होती है, लेकिन जनरली STM का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू, अगर मैं वायरलेस की बात करूँ तो MIMO से है, और अगर मैं वायर्ड की बात करूँ तो डेडिकेटेड चैनल से है। तो इस परस्पेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा इस पूरे लेक्चर में, दैट वुड बी ऑन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्टार्टिंग ऑफ विद स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो जब हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं फॉर वायर्ड सिस्टम, तो अगर मेरे पास कोई वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है एंड आई वांट टू इंप्लीमेंट अ स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन डेफिनेटली आई नीड टू हैव मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट वायर्स फॉर डिफरेंट चैनल्स। तो मैं करूँगा ये कि लेट सपोज आपके पास जैसे डब्ल्यू लैन की आपके पास जो लैन केबल है उसके अंदर आप देखें तो आपके पास एट डिफरेंट वायर्स हैं फोर के पेयर में। तो अगर मैं टू टू के पेयर को यूज़ करूँ फॉर कम्युनिकेशन फॉर सेपरेट सोर्सेज, तो इसका मतलब है कि मैं चार सोर्सेज का डाटा यूजिंग एट वायर्स या बेसिकली फोर पेयर्स को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं फोर सोर्सेज का डाटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। अब अगर आप इन टेक्निकल परस्पेक्टिव से देखें तो जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है वो बेसिकली कंबाइन हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ लैन केबल। तो इस परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास जो मेजर केबल है, लैन केबल है, वो एक हाई कैपेसिटी मीडियम है। उस हाई कैपेसिटी मीडियम को आपने चार
स्मॉल चैनल में डिफरेंशिएट कर दिया, और वो चार स्मॉल चैनल जो हैं वो चार डिफरेंट सोर्सेज का डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एनालॉग स्टीरियो की जो ऑडियो केबल है, इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो और अगर आपके पास टेलीफोन की बात करें तो कई दफ़ा हमारे पास मल्टीपेयर टेलीफोन केबल होती है, यानी कि एक केबल आप बड़ी हाई कैपेसिटी केबल यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप डिफरेंट सब चैनल्स पे डिफरेंट टेलीफोन सेट्स या डिफरेंट रिसीवर और ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो इन अ नट शेल, फॉर वायर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम और वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, द स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ बेसिकली हैविंग अ डेडिकेटेड वायर फॉर एवरी यूज़र। अब वो डेडिकेटेड वायर डेफिनेटली किसी बड़े हाई कैपेसिटी मीडियम का एक पोर्शन होगी। तो इन प्रिंसिपल इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक डेडिकेटेड वायर लगा दिया है वन ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर के दरमियान, और वो उसी के दरमियान ही काम करेगी। तो दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वायर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीपल एंटेनाज। तो जब हम बात करते हैं मल्टीपल एंटेनाज की, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि अभी तक हमने जर्नल जो बात करते थे, मोबाइल फ़ोन की बात करें या जर्नली, तो हम सिंगल एंटेना ट्रांसमीटर पे रखते थे, सिंगल एंटेना रिसीवर पे रखते थे। बट स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक बड़ी ए बेहतरीन किस्म की स्कीम दैट इज़ नोन एज अलामुती स्कीम। अलामुती स्कीम बेसिकली डिवाइस की गई थी, उसके मुताबिक आप अगर ट्रांसमीटर पे मल्टीपल एंटेनाज यूज़ कर लें और रिसीवर पे मल्टीपल एंटेनाज यूज़ कर लें, तो यू कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा यूजिंग डिफरेंट एंटेनाज। तो आप डिफरेंट एंटेना को डिफरेंट डेटा भेजते हो, और बेसिकली रिसीवर एंटेना जो है, और उस पर आप देखते हो कि आपने रिसीवर एंटेना में से जो रिसीवर एंटेना पिक करेगा वो एक स्पेसिफिक सिग्नल को ही पिक करेगा, बाकी सबको डिसरिगार्ड कर देगा। तो इन प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, तो जब मेरे पास मल्टीपल एंटेनाज हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर पे, तो मेरे पास चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि मेरे पास मल्टीपल एंटेनाज हैं ट्रांसमीटर पे और मल्टीपल एंटेनाज ही हैं रिसीवर पे। तो डैट इज़ नोन एज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और माइमो इन जर्नल। आपने इसका नाम शायद पहले भी सुना होगा। सो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट की जो सिचुएशन है, दैट सिचुएशन इज़ वेन यू हैव मल्टीपल ट्रांसमीटर एंटेना एंड यू हैव मल्टीपल रिसीवर एंटेना। तो जब हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की बात करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली हम चैनल के परस्पेक्टिव से इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर आपके पास है, अगर उस पर मल्टीपल एंटेना है तो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स की इनपुट कर रहे हैं चैनल में। जब हम मल्टीपल आउटपुट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल आउटपुट बेसिकली रिसीव होगी मल्टीपल रिसीवर पे, तो हम माइमो सिस्टम कहते हैं। और आजकल के जितने मॉडर्न सिस्टम हैं, उन तकरीबन सारे के सारे मॉडर्न सिस्टम में माइमो इज़ मेजरली यूज्ड, क्योंकि माइमो यूज़ करने से आपकी डेटा थ्रूपुट बेसिकली ज़्यादा हो जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली सबसे जो मेजर चीज़ यूज़ हो रही है, दैट इज़ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। देन यू कैन हैव अदर कन्फिग्रेशंस, लेकिन बाकी कन्फिग्रेशन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, उस यूज़ होती हैं लेकिन दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। सो जो और कन्फिग्रेशन हो सकती हैं, दैट इज सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर पर आपके पास एक सिंगल एंटेना है और रिसीवर पर आपके पास मल्टीपल एंटेना है। देन वी हैव मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। इट मीन्स कि आपके पास ट्रांसमीटर पर मल्टीपल एंटेनाज हैं और रिसीवर पर एक सिंगल एंटेना है। तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें, तो ओवरऑल मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एक ऐसी कन्फिग्रेशन है जिसमें ट्रांसमीटर भी मल्टीपल एंटेनाज हैं, रिसीवर पर भी मल्टीपल एंटेनाज हैं, और वो बेसिकली स्पेस को प्रॉपरली एक्सप्लॉयट करने की कैपेबिलिटी रखती है, इफ़ यू टॉक अबाउट इट इन टेक्निकल टर्म्स। तो ये जो सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट है, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये एज एफिशिएंट नहीं है एज कंपेयर टू माइमो। तो इस पर्सपेक्टिव से जो माइमो सिस्टम हैं, दे आर बेसिकली द बेस्ट टेक्निक दैट इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, तो IEEE 802.11n जो है वो मल्टीपल एंटेनास के साथ आता है बेसिकली।
और मल्टीपल जो है मल्टीप्लेक्स चैनल यूज़ करते हैं, और जनरली उसका डेटा रेट जो है 54 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो अगर आपने देखा हो तो पुराने सिस्टम्स में वायरलेस राउटर्स की अगर मैं बात करूँ तो पुराने वायरलेस राउटर में एक सिंगल एंटेना आता था, लेकिन अभी आजकल के आप राउटर्स को देखेंगे तो आजकल के वायरलेस राउटर जो हैं वो बेसिकली डुअल एंटेना के साथ आ रहे हैं। तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप ये देखेंगे तो डैट इज़ IEEE 802.11n स्टैंडर्ड जो है उन में यूज़ हुआ हुआ है, और इसमें बेसिकली आपके पास मल्टीपल एंटेनाज हैं ट्रांसमीटर पे और मल्टीपल एंटेनाज हैं आपके रिसीवर पर। इसी तरह आपकी डिवाइसेस के अंदर भी कई डिवाइसेस ऐसी हैं जो जिनका एंटेना फिजिकली आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे भी माइमो की टेक्निक बेसिकली वहाँ पे भी यूज़ हुई हुई होती है। इसका मतलब ये है कि दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस कैन हैव मल्टीपल एंटेनाज। अब चूँकि फिजिकली हमें वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तो इसलिए हमें पता नहीं चलता, अदरवाइज देर आर सर्टन डिवाइसेज जिसके अंदर मल्टीपल रिसीवर एंटेना लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर भी और रिसीवर दोनों परस्पेक्टिव से अगर आप बात करें तो मल्टीपल एंटेना यूज़ हो रहे होते हैं। अगर आप देखें IEEE 802.11n के जो बड़े लगे हुए होते हैं आपके पास राउटर्स, अगर आप देखें यूनिवर्सिटी में जो बड़े लेवल पे राउटर लगे हैं या जो पब्लिक प्लेसेस पे हॉटस्पॉट्स जो बने हुए होते हैं उनके अगर देखें आप, तो देर आर सर्टन डिवाइसेज जहाँ पे 8 to 10 एंटेनाज भी होते हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे आपको डेटा रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे आप एंटेना नंबर ऑफ एंटेनाज ज़्यादा कर देते हैं, और ये वो बेसिक आइडिया है कि जिसकी बेस पे आप ज़्यादा थ्रूपुट अचीव कर लेते हैं इन WLAN। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो स्पेस्ड वी एन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग अ डेडिकेटेड रिसोर्स और डेडिकेटेड स्पेस और डेडिकेटेड ट्रांसमिशन चैनल फॉर ईच यूज़र, और वही उसी को यूज़ कर सकता है। वायर्ड के केस में हम कह सकते हैं कि आप डेडिकेटेड वायर यूज़ कर रहे हैं, और वायरलेस के केस में आप बेसिकली माइमो के परस्पेक्टिव से देखें तो आप डेडिकेटेड एंटेनाज डिफरेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ स्पेस्ड वी एन मल्टीप्लेक्सिंग। देन वी हैव गॉट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड दैट इज़ बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बींग यूज इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अगर आप देखें तो आपके मोबाइल कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है उस सब के अंदर आपके पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हो रही है। आपकी जितनी लैंडलाइन बेसिकली यूज़ हो रही है उसके अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हो रही है। तो इस परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एज द नेम सजेस्ट इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग जहाँ पे आप रिसोर्स को देखें जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको आप शेयर कर रहे हैं, डैट इज़ टाइम। अभी आगे चल के बड़े डिटेल में आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन जर्नली जब हम कहते हैं टाइम इज़ अ रिसोर्स, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी यूज़र को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ट्रांसमिट करने की इजाज़त दूंगा। तो इट मींस आई एम एलोकेटिंग सर्टेन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम टू दैट यूज़र। कि अगर लेट सपोज 1 सेकेंड के लिए एक यूज़र का डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उस 1 सेकेंड के लिए सारे का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली उस स्पेसिफिक यूज़र का डेटा पे फोकस कर रहा होगा और उसको बेसिकली ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि मैंने एक सर्टन टाइम के लिए अपने पूरे के पूरे सिस्टम को एलोकेट कर दिया एक यूज़र के लिए। तो इसका मतलब है दैट इज़ बेसिकली टाइम। तो अगर मेरे पास टाइम के परस्पेक्टिव से एक बड़ी पूरी की पूरी स्लॉट मौजूद है तो मैं उस टाइम स्लॉट्स के परस्पेक्टिव से उसको फर्दर स्लाइस कर सकता हूँ और उसको ट्रांसमिशन कर सकता हूँ। तो इन जनरल किया ये जाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि हमारे पास सेवरल लो डेटा रेट लो बिट रेट डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, और जर्नली इन डेटा स्ट्रीम्स का जो डेटा रेट है इन जर्नल इट इज़ फिक्स्ड एंड प्री रिफाइंड, विच मीन्स कि ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों को पता है कि हर सोर्स का डेटा रेट क्या है, और उस डेटा रेट के परस्पेक्टिव से ही आप बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन करते हो। तो किया ये जाता है कि मल्टीपल लो बिट रेट डेटा स्ट्रीम्स को आप कंबाइन करते हो और उनको कंबाइन करके एक हायर कैपेसिटी मीडियम पे या हाई बिट रेट डेटा स्ट्रीम पे ट्रांसमिट करते हो। इट मीन्स कि आपने मल्टीपल सोर्सेज को उठाना है, उनका डेटा कंबाइन करना है और एक बड़े हाई बिट रेट डेटा स्ट्रीम पे आपने उसको ट्रांसमिट करना है, और वो बेसिकली हाई डेटा रेट बिट स्ट्रीम
जो ट्रांसमिट होती है वो एक सिंगल चैनल के ऊपर ही होती है, और उस सिंगल चैनल के अंदर बेसिकली आप टाइम डिवाइड कर रहे होते हो। सो जैसा मैंने पहले बताया, एप्लीकेशंस ऑफ TDM इंक्लूड वायरलाइन टेलीफोन सिस्टम एंड सम सेलुलर टेलीफोन सिस्टम्स। तो आपका GSM जो सिस्टम है दैट यूजेस द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग फॉर श्योर। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को भी हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की किस तरह से जाती है। सो वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज दैट आई वांट टू ट्रांसमिट 192 किलोबिट्स पर सेकेंड ऑफ डेटा फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 विद 64 किलोबिट्स पर सेकेंड पर यूज़र। सो इट मीन्स अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूँ, सो आई हैव थ्री यूजर्स ए बी एंड सी एंड दीज आर बेसिकली लो डाटा रेट यूज़र। और इन लो डाटा रेट यूज़र की अगर मैं बात करूँ तो ए का डाटा रेट है 64 किलोबिट पर सेकेंड, बी का डाटा रेट है 64 किलोबिट पर सेकेंड, सी का डाटा रेट है 64 किलोबिट पर सेकेंड। सो इट मीन आई हैव थ्री डिफरेंट सोर्सेस ए बी एंड सी एंड एवरी सोर्स हैज़ अ डेटा रेट ऑफ 64 किलोबिट पर सेकेंड। जो हमने जो पहले बात की थी कि हमारा डेटा रेट फिक्स्ड है और प्री डिफाइंड है, इट मीन्स कि जब मैं सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि व्हाट इज़ द डेटा रेट ऑफ ए, आई नो व्हाट इज़ द डेटा रेट ऑफ बी एंड व्हाट इज़ द डेटा रेट ऑफ सी। सो अगर आप ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन में भी, तो इट इज़ बेसिकली लो बिट रेट इनपुट लाइन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये आपके डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास लो बिट रेट आपके पास आ रही हैं इनपुट। लेट्स से मेरे पास इन सिटी 1 से सिटी 2 के दरमियान ट्रांसमिट करने के लिए एक हाई कैपेसिटी मीडियम है जो कि इस बड़े ब्लैक एरो से शो हुआ हुआ है, और इस हाई कैपेसिटी मीडियम का डेटा रेट है 192 किलोबिट्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि एट एनी गिवन टाइम मेरे पास ये जो पूरी की पूरी रिसोर्स है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ 192 किलोबिट्स पर सेकेंड। सो अगर यूज़र ए का डेटा अगर आप देखें दैट इज़ 64 किलोबिट पर सेकेंड, बी का भी 64 किलोबिट्स पर सेकेंड है और सी का भी 64 किलोबिट्स पर सेकेंड है। तो इफ़ यू कंबाइन 64 विद 64 विद अनदर 64 यू आर गोइंग टू लैंड एट 192 किलोबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एट एनी गिवन टाइम, चूँकि मैं 64 किलोबिट पर सेकंड मुझे यहाँ से मिल रहा है, 64 यहाँ से मिल रहा है, 64 यहाँ से मिल रहा है, और मैंने इनको एक ऐसे डेटा लाइन पे ट्रांसमिट करना है जो कि सिंगल लाइन है, तो मुझे सिंगल लाइन का डेटा रेट इन तीनों कंबाइंड डेटा रेट के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 64 प्लस 64 प्लस 64 विल गिव मी 192 किलोबिट पर सेकंड, और आपके पास जो मेन जो ट्रांसमिशन हो रही है दैट इज़ 192 किलोबिट पर सेकंड। इसकी डिस्क्रिप्शन भी अगर आप देखो, दैट इज़ हाई बिट रेट मल्टीप्लेक्स डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ सिंगल हाई कैपेसिटी चैनल। तो मेरे पास 64 किलोबिट का ये चैनल है, 64 64, और इन तीनों कंबाइन करके जब मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पर इस पे ट्रांसमिट करूँगा। सो इट मीन्स कि मैं कुछ टाइम के लिए यूज़र ए को ये दूँगा अपना रिसोर्स, कुछ देर के लिए यूज़र बी ट्रांसमिट करेगा, फिर यूज़र सी ट्रांसमिट करेगा। आफ्टर दैट ये तीनों एक एक दफ़ा ट्रांसमिट कर लेंगे, फिर एक और स्लॉट मिलेगी, फिर दूसरी टाइम स्लॉट बी को मिलेगी, फिर तीसरी टाइम स्लॉट सी को मिलेगी। वंस ये तीन टाइम स्लॉट होगी, फिर उससे अगली टाइम स्लॉट फिर ए को मिलेगी, फिर बी को मिलेगी और फिर सी को मिलेगी, एंड इन दैट वे बेसिकली आप मल्टीपल डेटा रेट उठा रहे हो, मल्टीपल डेटा डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से बेसिकली डेटा उठा रहे हो, उनको एक सिंगल हाई कैपेसिटी मीडियम में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस परस्पेक्टिव से आपने किया ये है कि आपने अपने पूरे के पूरे कम्युनिकेशन चैनल को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में बेसिकली हर यूज़र अपने अपने टाइम स्लॉट पर वो ट्रांसमिशन करता रहेगा। और डेफिनेटली ये सारा काम आप करेंगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। और जब आप रिसीवर पे बात करेंगे तो रिसीवर पे आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर, और डी मल्टीप्लेक्सर ये करेगा कि ये सारे का सारा डेटा जो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे इसको रिसीव हो रहा है ये इनको दोबारा तीन बिट स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देगा। दैट इज़ वन इज़ विड बी फॉर ए, सेकेंड वुड बी फॉर बी एंड थर्ड वुड बी फॉर सी। तो आपके पास लो बिट रेट आउटपुट लाइन आ जाएंगी डिफरेंट यूजर्स के लिए। तो ओरिजिनली होता भी ये है कि आप अगर डेटा ए वाला जो है वो ए जो है सोर्स
उसका इंटेंडेड यूज़र जो है, उसका इंटेंडेड रिसीवर जो है, उसको उसका ही डेटा मिलना चाहिए। तो ए का जो डेटा जनरेट हुआ है वो उसके इंटेंडेड यूज़र या उसके इंटेंडेड रिसीवर पर ही जाएगा, एंड सेम गोज़ टू फॉर बी एंड सेम गोज़ टू फॉर सी। तो आपके पास सारे के सारे जो डेटा स्ट्रीम्स हैं वो उनके इंटेंडेड यूज़र्स तक जाएंगी। अब यहाँ पे एक बड़ा फंडामेंटल किस्म का क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जब इस पूरे के पूरे हाई डेटा रेट मीडियम को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर रहे हैं, ए को हम थोड़ी देर के लिए हम ए को दे देते हैं डेटा ट्रांसमिट करने की बारी, फिर हम बी को दे देते हैं, फिर हम सी को दे देते हैं। डिफरेंटली हम कुछ टाइम एलोकेट कर रहे हैं ए को, कुछ टाइम एलोकेट कर रहे हैं बी को, और कुछ टाइम एलोकेट कर रहे हैं सी को। तो द मेन क्वेश्चन दैट अराइजेज हेयर इज वॉट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर ईच यूज़र, कि मैं किसी भी एक यूज़र को कितना टाइम स्लॉट या कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए मुझे आइडियली। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अ फंडामेंटल क्वेश्चन इज बेसिकली दैट हाउ शुड द टाइम स्लॉट फॉर ईच यूज़र शुड इज सेलेक्टेड। तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अभी जो चीज़ देखनी है डैट इज़ बेसिकली कि आप किसी भी यूज़र को कितना टाइम देंगे, या टाइम स्लॉट आप डिसाइड किस तरह से करेंगे कि ये एक सर्टेन टाइम स्लॉट है जो मैंने यूज़र को एलोकेट करनी है। सो देर आर टू फैक्टर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द सिलेक्शन फॉर प्रॉपर टाइम स्लॉट। वन इज़ द एफिशिएंसी, द अदर वन इज़ डिले। सो अगर इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँ, तो लेट से मैंने जो यूज़र ए, यूज़र बी और यूज़र सी को जो टाइम स्लॉट एलोकेट की थी इन इन दिस सिचुएशन, लेट से कि मैं टाइम स्लॉट को बहुत छोटा रख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि यूज़र ए को कुछ टाइम मिलेगा, बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम, यूज़र बी को स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम मिलेगा, यूज़र सी को स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम मिलेगा। और चूंकि मल्टीप्लेक्सर है, इट्स जस्ट लाइक अ स्विच बिटवीन द यूज़र। तो अगर आपके पास तीन यूज़र हैं और आप उनको बहुत शॉर्ट टाइम में लोकेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो स्विच है या जो आपका मल्टीप्लेक्सर है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो यूज़र ए से यूज़र बी और यूज़र बी से यूज़र सी और वापस यूज़र सी से यूज़र ए पे स्विच उतनी स्पीड से करे जितनी स्पीड से आपने टाइम स्लॉट एलोकेट की हुई है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका यह मतलब है कि आप अपना डेटा मिस कर देंगे, विच मीन्स कि लेट सपोज यूज़र ए को आपने 1 माइक्रो सेकेंड एलोकेट किया, आपने यूज़र बी को 1 माइक्रो सेकेंड एलोकेट किया और यूज़र सी को 1 माइक्रो सेकेंड एलोकेट किया, लेकिन आपको जो मल्टीप्लेक्सर है, जो स्विचिंग नेटवर्क है, उसका स्विचिंग टाइम लेट सपोज 1.5 माइक्रो सेकेंड अगर है, यानी कि वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक जाने में 1.5 माइक्रो सेकेंड लेता है, तो आप जब वन यूज़र ए का डेटा ट्रांसमिट कर चुके होंगे, यूज़र बी तक जाने में आपके स्विच को 1.5 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो यूज़र बी को जो आपने 1 माइक्रो सेकेंड देना था वो डेटा उसका तो कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, तो जब आप स्विचिंग में इतना टाइम लगा देंगे इसका मतलब यू आर गोइंग टू मिस आउट द डेटा। सो अगर आपका मल्टीप्लेक्सर फास्ट नहीं है या आपकी स्विचिंग स्पीड ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट एफिशिएंट इनाफ, तो आप डेटा मिस आउट कर देंगे। तो इस परस्पेक्टिव से आपको अगर टाइम स्लॉट बहुत छोटी रखेंगे तो आपको एक हाईली एफिशिएंट मल्टीप्लेक्सर चाहिए, विच मीन्स कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं रखेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू सफ़र इज दैट यू आर गोइंग टू सफ़र इन टर्म्स ऑफ लूजिंग द डेटा, क्योंकि आपके जितनी देर में स्विचिंग हो रही है उतनी देर में बहुत सा डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा। इन दैट परस्पेक्टिव इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ हायर एफिशेंसी then it is basically you have to have small time slot, or it is basically the other way around, कि आप अगर टाइम स्लॉट बहुत छोटी रख देंगे तो आपको एक हाईली एफिशिएंट मल्टीप्लेक्सर एज वेल एज डी मल्टीप्लेक्सर भी चाहिए होगा। डेफिनेटली जो काम आप रिसीवर पे कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर के साथ, उसी स्पीड के साथ आपको डी मल्टीप्लेक्सर के साथ भी करना होगा। तो दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है कि मैं अगर टाइम स्लॉट को लार्ज रख लूँ, जनरली बिट टाइम से अगर मैं ज़्यादा रख लूँ, अगर मैं टाइम स्लॉट को ज़्यादा रख लूँगा तो इससे होगा ये कि मुझे एक बफर चाहिए होगा स्टोर द डेटा। उसकी वजह यह है कि लेट सपोज मैंने टाइम स्लॉट बहुत बड़ी रख दी, और टाइम स्लॉट जो है जब मैं बड़ी रखूँगा तो इसका मतलब यूज़र ए को भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, यूज़र बी को भी टाइम स्लॉट ज़्यादा मिल रही है, यूज़र सी को भी टाइम स्लॉट ज़्यादा मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो डेटा समल्टेनियसली ट्रांसमिट कर रहे होते हैं,
तो अगर मेरे पास सारे के सारे सोर्सेज समल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और मैंने टाइम स्लॉट बड़ी रख दी है, तो इसका मतलब है कि जिस टाइम पे मेरे पास यूज़र ए का डेटा मैं ले रहा हूँ, उस टाइम पे यूज़र बी और यूज़र सी का डेटा भी आ रहा है मेरे पास। तो मुझे अब यूज़र बी और यूज़र सी का जो डेटा है उसको किसी बफर में, किसी मेमोरी एलिमेंट में सेव करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यूज़र ए का डेटा पिक कर रहा हूँ उस वक्त यूज़र बी और यूज़र सी का डेटा तो आ रहा है, या मैं अगर यूज़र बी पे अगर डेटा पिक कर रहा हूँ यूज़र ए और यूज़र सी का डेटा तो अभी भी आ रहा है। तो इट मींस कि मुझे वहाँ पर मेमोरी एलिमेंट या बफर चाहिए होंगे, और वो बफर करेंगे ये कि जब मैं यूज़र ए का डेटा ले रहा हूँ तो उस वक्त यूज़र बी और यूज़र सी का डेटा स्टोर हो रहा होगा बफर्स में। इसी तरह जब मैं यूज़र बी का डेटा ले रहा हूँ तो यूज़र ए और यूज़र सी का डेटा स्टोर हो रहा होगा बफर में, और जब मैं यूज़र सी का डेटा ले रहा हूँ तो यूज़र ए और यूज़र बी का डेटा स्टोर हो रहा होगा बफर में। अब डेफिनेटली जब आप बफर की बात करते हैं तो बफर का मतलब ये है कि आपने डेटा को सर्टन टाइम के लिए स्टोर करवाना है एक मेमोरी में। अब और कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो रियल टाइम चल रही होती हैं, तो ऐसी तमाम एप्लीकेशन जहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, जहाँ पर आपको डिले नहीं चाहिए, जहाँ पर आपको लेटेंसी नहीं चाहिए, उन सब के लिए ये सिचुएशन बड़ी डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन होगी। उसकी वजह यह है कि आप टाइम स्लॉट ज़्यादा रखेंगे, उस टाइम स्लॉट की वजह से बफर में डेटा स्टोर होगा बाकी सोर्सेज का, और उसकी वजह से डिले आएगा, और वो डिले कई दफ़ा आपकी ऐसी एप्लीकेशन जिनको हम डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन कहते हैं वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी। वहाँ पर मसला ये है कि अगर आप डिले एक सर्टन हद से ज़्यादा कर देंगे तो उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो ही नहीं सकेगी। बिल्कुल बेसिक लेवल पे एग्जांपल देखें तो आप टेलीफोन लाइन की अगर बात करें, चाहे आप लैंडलाइन की बात करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, दोनों केसेस में आप एक सर्टन मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा डेटा में डिले अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि अगर आप डिले ज़्यादा करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज़ योर डेटा सो मच कि आपकी उस सारी की सारी सिचुएशन या उसमें डिले इतना आ जाएगा कि वो बात वैलिड ही रहेगी। जस्ट इमेजिन कि आपने एक एंड पे आपने फ़ोन मिलाया और किसी को हेलो कहा, और लेट सपोज वो हेलो अभी तो हम करते हैं फॉर एग्जांपल, आपको आवाज़ तकरीबन रियल टाइम में आ रही थी, जो डिले आ रहा होता है वो आपको फील नहीं हो रहा होता इन जनरल। लेकिन इमेजिन ये करें कि आपने हेलो बोला और अगला बंदा एक सेकंड तक इंतज़ार करता रहा कि आपने बोला क्या, या दो सेकंड तक इंतज़ार, 10 सेकंड तक इंतज़ार कर रहा कि आपने क्या बोला। तो इस पर्सपेक्टिव से जो सिचुएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि कई दफ़ा इंटरनेट पे आपने क्विज सबमिट किया था या आपने असाइनमेंट सबमिट की थी, लेकिन वो 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट डिले से आया। उसका मतलब ये है कि आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे डिले जो है वो आपको कॉस्ट कर सकता है। उस तमाम एप्लीकेशन में आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उस में एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पर्सपेक्टिव से टाइम स्लॉट्स को हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन भी सफर ना करें। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये तो मोर और लेस थ्योरेटिकल चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम में यूज़ होती है, और हम उसको T1 वायरलाइन सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं। तो